फार्मा स्टेट द्वारा किए गए इस सर्वे में हमने यह जानने की कोशिश की कि फार्मा प्रोफेशनल्स ऑनलाइन फार्मेसीज के बारे में क्या राय रखते हैं। कुल 390 फार्मा प्रोफेशनल्स के रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड किया गया है। मोड ऑफ सर्वे ऑनलाइन क्वेश्चनर है और रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड किया गया है। रिस्पॉन्सेज में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं। आइए देखते हैं रिजल्ट्स। पहला सवाल, क्या आप सोचते हैं कि ऑनलाइन फार्मेसी मॉडल एक अच्छा तरीका है पेशेंट्स तक मेडिसिन पहुंचाने का? लगभग 60% लोगों ने कहा नहीं और 32% लोगों ने कहा हाँ। दूसरा सवाल, क्या यह सच है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 और फार्मेसी एक्ट 1948 दवाइयों की ऑनलाइन सेल को मान्यता नहीं देते? लगभग 58% लोगों ने कहा हाँ, यह सच है। तीसरा सवाल, इंडिया में ऑनलाइन फार्मेसीज की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? लगभग 52% लोगों ने कहा कि दवाइयों पर भारी छूट देना ऑनलाइन फार्मेसीज की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। 25% लोगों ने यह भी कहा कि ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा इजीली ऑर्डर करना और दवाइयों का घर तक पहुंचाना सफलता का कारण है। 9% लोगों का यह भी मानना था कि हैवी मार्केटिंग इसका कारण हो सकता है। चौथा सवाल था, क्या आप सोचते हैं कि ऑनलाइन फार्मेसीज की वजह से फार्मेसी स्टोर्स की सेल्स पर असर पड़ेगा? लगभग 75% लोगों ने कहा हाँ, इससे काफी असर पड़ सकता है। पांचवा सवाल, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन फार्मेसीज की वजह से नकली, एक्सपायर्ड और अनअप्रूव्ड दवाइयों की बिक्री और डिलीवरी बढ़ेगी? लगभग 67% लोगों का कहना था हाँ, इससे नकली, एक्सपायर्ड और अनअप्रूव दवाइयों की डिलीवरी बढ़ेगी। और आखिरी सवाल था, क्या ऑनलाइन फार्मेसीज को बैन करना एक अच्छा ऑप्शन है? 60% लोगों ने कहा हाँ, ऑनलाइन फार्मेसीज को बैन करना अच्छा ऑप्शन है। 29% लोगों ने कहा नहीं, यह अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो यह थे रिस्पॉन्सेज जो इस सर्वे द्वारा प्राप्त हुए हैं। फार्मा स्टेट इसी तरह के सर्वेज आपके लिए लाता रहेगा। किसी भी तरह के सुझाव भेजने के लिए दिए गए मेल आईडी पर हमें मेल करें। टू गेट रेगुलर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू फार्मा स्टेट यूट्यूब चैनल एंड फॉलो द सोशल मीडिया पेजेस।